कॉमन अपरेटस बाइसिकल व्हील। ओके, इस बाइसिकल व्हील में एक स्पेशल काम किया है, ये हेवी टायर लगाया है, दिस इज ट्यूबलेस टायर, ठीक है, सॉलिड है। ओके, साइकिलों में लगाते नहीं हैं, हमने डेलिबरेटली लगाया क्योंकि हवा वाला टायर लगाते हैं ना, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता। व्हाट वी वांट इज अ मोर मास डिस्ट्रीब्यूशन हियर। ओके, इसलिए सॉलिड टायर लगाया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ कि व्हेन आई रोटेट इट टेक्स लॉट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कंटिन्यूसली चलता रहेगा, यदि किसी को इसको पकड़ के देखना है, आप देखिए, इट इज़ ईजी, 3-4 किलो वजन होगा, ठीक है ना। अब पकड़िए, अब घुमाइए, नहीं, नहीं, बहुत हैवी है, यस, ठीक है, इट बिकम्स सो हैवी, ओके, वी कांट शिफ्ट, जब रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा, तो इसमें क्या हो गया, मास तो चेंज नहीं हुआ, बट एक एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें आ गई, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, एंड दिस एडिशनल प्रॉपर्टी कम्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन। ओके, इसका क्या फायदा है, यूं देखो रुकता है क्या, नहीं, किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं रुकता, बट यूं चला के छोड़ूं रुक जाता है, ठीक है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए एंगुलर मोमेंटम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसको उल्टा भी चलाओ तो उल्टा भी रुक जाएगा, नो इश्यू, राइट। तो हम कहें कि इसका एंगुलर मोमेंटम यूं है या यूं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर कर दीजिए आप प्लेटफॉर्म पे, तो इट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करें, ठीक है, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठें, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे बैठ जाएं, ठीक है। आप एक बार पकड़ लीजिए इसको, यू कैन मूव कंफर्टेबली, बिकॉज इसमें बहुत कम फ्रिक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा पैर से धक्का लगाएं तो वी कैन मूव। ये चेयर डॉक्टर्स लोग यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, एंड कई ऑफिस में काम करने वाले भी यूज़ करते हैं। ओके, रिवॉल्विंग स्टूल बोलते हैं। अब इसको लेके यदि मैं बैठूं विद दिस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो व्हेन आई चेंज दिस एंगुलर मोमेंटम, तो कुर्सी खुद चेंज होती है, बिकॉज आई एम चेंजिंग द एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है ना। एंड दिस फोर्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन यू आर फ्लाइंग ए फाइटर प्लेन और समथिंग लाइक दैट, योर चेयर शुड हैव दैट फ्रीडम, अदरवाइज तो दिमाग का दही बन जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जायरोस्कोप भी बोलते हैं, जायरोस्कोपिक मोशन।